आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग निगम हरियाणा की चेयरपर्सन एवं महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा निर्मल बैरागी ने की। बैठक में जहां निकाय चुनाव को लेकर चिंतन मंथन किया गया, वहीं प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद में 50-50 महिलाओं को मोर्चा के साथ जोड़ने के अभियान की कमान दो दो महिला पदाधिकारियों को सौंपी गई। निर्मल बैरागी ने बताया कि बैठक में हर नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में 50-50 महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दो दो पदाधिकारियों को सौंपी गई है। महिलाओं को मोर्चा से जोड़ने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं को जहां केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, वहीं उनकी समस्याओं और मांगों की जानकारी भी संबंधित विभाग और प्रशासन तक पहुंचाकर उनका हल निकलवाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा परमजीत कश्यप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निशा माहेश्वरी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अनीता धीमान, जिला सचिव रेणु कुगर, जिला सचिव रीना कल्याण, महिला मंडल अध्यक्ष कुसुम अमीन, पिपली मंडल अध्यक्ष हरप्रीत, जिला विस्तारक नरेंद्र डाबला, चुनाव विस्तारक रवि मोदगिल, चुनाव विस्तारक ओमपाल, जिला महामंत्री सुशील राणा, मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान, मीडिया प्रभारी विनीत क्वात्रा आदि भी मौजूद रहे। आज महिला मोर्चा की बैठक क्षेत्र में आयोजित की गई। आज इस बैठक में हमारा एक अब जो निकाय चुनाव संभावित हैं, होने वाले हैं, उसी के निमित्त जो है आज तैयारी के उसमें आज यहाँ पर बैठक महिला मोर्चा की लगी। महिला मोर्चा के जिन बहनों की जिस कार्यपालिका या अपनी जिला कार्यपालिका में या अपनी नगर परिषद में हमने जिम्मेवारियां लगाई है महिला मोर्चा ने, आज उन्हीं बहनों को यहाँ पर बुलाया। दो दो बहनों को हमने हागर नगर पालिका और नगर परिषद में दो दो बहनों की ड्यूटियां लगाई हैं, और आज इनका एक विशेष ये रहेगा कि हमने हर बूथ पे 50 नई मतदाता को हमने अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है, नई सदस्य बनाना है, और जो बहनें हमारी पहले से सदस्य हैं वो नहीं, नई सदस्य जो है वो हमने पार्टी की बनानी है और अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है। इसके साथ एक उद्देश्य और है कि हम अपनी महिलाओं से घर में जाकर मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और अपने सरकार की जो नीतियां रही, चाहे केंद्र की हैं और चाहे प्रदेश की हैं, उन नीतियों के बारे में उनको बताएंगे, उनकी राय लेंगे, उनके सुझाव लेंगे, और इस तरह से हर बूथ पे 50 महिलाओं जो है वो नई हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल यही एक हमारा काम है। आगे की जो हमारा निर्णय संगठन का होगा उसके निमित्त जो है वो महिलाएं काम करेंगी। जी, आपने कहा कि उन महिलाओं को ही इसमें मिला जिनकी जिम्मेदारी आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। नहीं, दो महिलाएं हर नगर पालिका और नगर परिषद में मोर्चे की लगी, उन्होंने आगे जाके अपनी टोलियां बनाई और उनकी मीटिंग आपने उनकी मीटिंग दो महिला होंगे। हाँ, मैम, जैसे महिला मोर्चा इतने महिला मोर्चा इतने वर्षो से चल रहा है, 7 साल से सरकार भी है, अब तक महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं है महिला मोर्चा में, तो एक बड़ी चुनौती नहीं होगी कि दो महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई, एक नगर पालिका और एक नगर परिषद के ऊपर, कि 7 सालों से जो महिला मोर्चा का संगठन नहीं खड़ा हो पाया संख्या के हिसाब से, वो क्या दो दो महिलाएं संगठन को खड़ा कर पाएंगे? ये दो महिलाएं हमारी पदाधिकारी जी, वो प्रदेश में पदाधिकारी जी, उन महिलाओं की हमने ड्यूटी इसलिए लगाई है कि वो जिले में जो हमारी पदाधिकारी बने हैं, जिले में जो हमारी संगठन की बहने हैं, उनके साथ टोलियां बना के तब हमारा जो है ना आगे काम चलेगा। जिले में जिलाध्यक्ष पहले भी रही है, चाहे महिला मोर्चा की हो, महिलाओं की मुख्य भाजपा में भी, जिला भाजपा में भी भागीदारी रही है, उपाध्यक्ष भी महिला है, और भी पदों पर महिला है, तो अब तक महिलाओं का जो कुर्मा है भाजपा के साथ बड़ा नहीं हो पाया 7 सालों में, तो क्या अब इन चुनावों में बढ़ जाएगा? ये ऐसा है जी, चुनाव में ऐसा नहीं है कि महिलाओं का संगठन बढ़ा नहीं है, महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन भाजपा में खड़ा है, कोई इसमें दो राय है नहीं। और अगर आप बात करें महिलाओं के संगठन की, बात की आपने कि संगठन खड़ा नहीं, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मैं प्रदेश अध्यक्ष तब की भी बात कर रही हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में संगठन बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा संगठन रहा है और अब भी है। सिर्फ हमने उन बहनों को ही बुलाया जिनको जिम्मेवारी दी गई है। क्या सिर्फ वो कागजों में है बड़ा या धरातल पर भी बड़ा? धरातल पे बड़ा है भाई। धरातल पे मीटिंग भी नहीं होती। प्रदेश आज मैं एक बात है, चलो वो बात ठीक है। आज मैंने सिर्फ उन्हीं पदाधिकारियों को बुलाया, ना प्रमुख बहनों को ही बुलाया जिनको ड्यूटियां दी गई। अगली बार जब हम महिला मोर्चा की बैठक करेंगे आप सबको इन्वाइट करेंगे, क्योंकि मैडम और परिचय नाम सहित आपको परिचय दिया जाएगा। मैडम आजकल कौन है प्रेसिडेंट? स्टेट की प्रेसिडेंट कौन? स्टेट की बहन बहन माननीय सुमित्रा चौहान। सुमित्रा चौहान मतलब क्या? सुमित्रा चौहान ने महिला मोर्चा की बैठक लेने के लिए आपकी ड्यूटी क्यों लगाई है? देखिए सबकी ड्यूटियां तो जो सुमित्रा डांगी है मेरी महामंत्री रही थी उसकी भी लगी है और अपनी मीना परमार जी की भी लगी है। हमारे चार चार जिले जो है वो मॉनिटरिंग के लिए संगठन ने दिया। मैडम जिला उपाध्यक्ष इस महिला मोर्चा की जो मीटिंग आपकी चल रही है, जिला उपाध्यक्ष महिला की वो आज इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है, ऐसा क्या करना? जिला उपाध्यक्ष को आज बुलाया नहीं गया था, आज जिन बहनों को बुलाया वही आई है। जिला उपाध्यक्ष जो है ना उनकी टीम जिले की अध्यक्ष लगाएगी कि हमने इन नगर पालिका में या नगर परिषद में किन किन बहनों को भेजना है। ये सिर्फ गिनी चुनी? हाँ गिनी चुनी, बिल्कुल सिर्फ दस दो ज्यादा है। अभी एक बहन कह रही थी की हमें ये नहीं पता लगता की हम गरीब बीपीएल परिवार कहाँ वो करे कहाँ वो, उनको मैंने बताया है, अभी मैंने उनको भी बताया है और मेरी सभी बहनों को इस बात का पता है की जहाँ भी सरल केंद्र है या अटल केंद्र है और जो भी आपने किस बारे में लोन लेना है या किसी बात का वो करना है वो जो है ना आपको उस सरल केंद्र में आपकी योजनाओं का पता लगेगा। आप वहाँ ऑनलाइन हर काम ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए। अगर आपको नहीं पता, एक मिनट, अगर आपको नहीं पता तो हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष है, जिला महामंत्री है और हमारी पूरी टीम है, आप किसी की सहायता ले सकते। जब ये महिलाओं को जोड़ने के लिए निकलेंगे सभी वार्डो में अलग अलग जगह पे तो नेचुरली बात है समस्याएं भी सामने आएंगी। बिल्कुल आएंगी, नोट करेंगे। चाहे वो समस्याएं शहर की सड़कों से हैं, चाहे स्वच्छता से है, चाहे महंगाई को लेकर है, चाहे किसी को भी महिलाएं हैं तो महिलाओं का जिनका बजट बिगड़ा है, जो विपक्ष जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, तो ऐसी जो समस्याएं सामने आएंगी उनके समाधान के लिए महिला मोर्चा की ओर से क्या कदम उठा रहे? देखो जी महिला मोर्चा की अभी यही ड्यूटी लगी, हम घर में जाकर बैठेंगे, मैंने अपनी समस्या बताएंगे, ठीक है, हम लिख के लाएंगे और उसके बाद हम अपनी उस समस्या को वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर इसका सॉल्यूशन होना है। सत्ता में भी हम हैं और हमारा संगठन भी मजबूत है, जहाँ भी इसका सॉल्यूशन होगा वहाँ पर उनको भेजेंगे। स्टेट में पांच की ड्यूटी बता रहे थे आपको, अनुमान है पांच की ड्यूटी लगाई है? जैसे कुरुक्षेत्र आपको कौन कौन से? मेरे को तीन जिले मिले हैं। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। ठीक है, और किस किस की ड्यूटी है? सुनीता डांगी को मिले हैं पानीपत, हाँ जी पानीपत रोहतक। ये क्या है? मेरे साथ महामंत्री रही हैं, आप राष्ट्रीय टीम में ये सदस्य हैं। ठीक है, थर्ड कौन है जी? और हाँ एक मीना परमार जो अभी महामंत्री है प्रदेश में, उसको मिला है भिवाणी, रेवाड़ी, नू और मेवा, नन्नू को और वो गुरुग्राम। और कौन है उसके साथ? है आशा खेदड़, ये भी महामंत्री है, जिसको मिला है हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। और भी कोई चलो चलो तो बैठक हो चुकी है। नहीं नहीं।